ओम जय हिंद। धन्यवाद मित्रों, आज ये 3 मिनट का वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो को आपने शेयर किया, आप समझ लो आपने राष्ट्र के प्रति अपना धर्म निभाया। और जो भी इस वीडियो को देखेगा, मुझे विश्वास नहीं है कि फिर से वो नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगा और नरेंद्र मोदी को वोट देगा। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं कीजिए। मैं ये 3 मिनट का 4 मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा। बस 3 मिनट का वीडियो होगा, 4 मिनट 4 मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा। पहला पॉइंट, मोदी का डीएनए। मोदी का डीएनए क्या है? क्या मोदी कुछ कर सकते हैं? मोदी देश के लिए करेंगे या कर पाएंगे? यह संभव ही नहीं है, क्योंकि ये 4 ऐतिहासिक बातें अगर आप जान लेंगे तो कभी भी कोई, जो भी जानेगा, जो भी देखेगा, वो कभी मोदी को नहीं करेगा। नंबर 1, डचों, पुर्तगालियों, मुगलों और अंग्रेजों सहित जितने भी विदेशी लुटेरे भारत आए, सभी गुजरात के रास्ते से आए और गुजरातियों ने शरण दी और देश की गुलामी में लुटेरों का साथ दिया। ये ट्रू है, सत्य है, ऐतिहासिक बात है। हजारों साल का इतिहास आप देख लीजिए, यही मिलेगा। दूसरा पॉइंट, 1947 के पहले देश को आजाद कराने में 7.5 लाख से भी अधिक क्रांतिकारियों ने अपनी बलि दी, अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी कुर्बानियां दी, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान हुए। उन शहीद क्रांतिकारियों में एक भी गुजराती नहीं था। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपके सामने रखूंगा, 1947 से लेकर के आज तक भारत की सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए एक भी शहीद का जनाजा आप गुजरात जाते हुए नहीं देखा होगा। यानी कोई भी गुजराती सेना में नहीं जाता, या सही जाएगा नहीं तो शहीद कहां से होगा। यानी हमारी रक्षा में भी उनका कोई हाथ नहीं है आज के दिन भी। और चौथा सबसे बड़ा घातक पॉइंट मोदी का डीएनए समझने के लिए, और यह बात मोदी ने स्वीकार किया है कि मोदी ने अमेरिका जाकर यह बात कही थी कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है। एक व्यापारी कभी शासक नहीं हो सकता, एक व्यापारी कभी प्रजा के बारे में नहीं सोच सकता, ये आपको मानकर चलना होगा। तो चौथा और अंतिम जो मोदी के डीएनए के बारे में बताना चाहता हूं वो ये है कि भारत में आजादी के बाद से आज तक जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज्ड घोटाले हुए हैं, लूट हुई है, बैंकों से चोरियां हुई है, लूट हुई है, वो सब के सब गुजरातियों ने किया है। मेहता से लेकर के मोदी तक सारे कांड, सारी लूट गुजरातियों ने की है। अगर इस वीडियो को आप आम आदमी तक पहुंचा देंगे, मैं वादा करता हूं फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिर से कोई नरेंद्र मोदी को, जो भी ये वीडियो देखेगा, जो भी ये बात जानेगा, क्योंकि जो भी ये बात सुनेगा, जिसके कान में ये बात जाएगी, वो इसको परखने की कोशिश करेगा, इतिहास में जानने की कोशिश करेगा, और इतिहास की सत्यता जानने के बाद नरेंद्र मोदी को कभी वोट नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी गैंग को कभी वोट नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी के पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। तो लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, आप अपना राष्ट्र धर्म निभा लेंगे। आपसे विनती है, प्रार्थना है, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम।